अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ CB125F की एक अहम बात कि इसकी प्रोडक्शन एटलस सोडा वाले बंद करने जा रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है, वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताऊँगा। CB125F जो कि होंडा डीलक्स की प्रोडक्शन ऑफ करके हमें न्यू शेप, अलॉय रिम्स और सेल्फ स्टार्ट के साथ दिया गया था। प्रीवियस डिलेक्स में आप देख सकते हैं, ना ही आपको अलॉय रिम्स मिलते थे, ना ही सेल्फ स्टार्ट मिलता था। बाकी फ्रेम, इंजन सब CB125F में सेम है। सिर्फ उसको CB125F का नाम दे के डिलेक्स में रिम्स और सेल्फ स्टार्ट लगा के हमें CB125F के नाम से एक न्यू बाइक इंट्रोड्यूस कराया। और इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी 1,60,000। तो फ्रेंड्स, इसकी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से और बदकिस्मती से ये बाइक मार्केट में कामयाब ना हुआ। तो इसमें अगर इसकी CB125F की बात करें तो आप देख सकते हैं साइड कवर्स को इसमें बहुत ही खूबसूरत कर दिया गया था। और बाकी इसका फ्रेम की बात करें तो बिल्कुल डीलक्स वाला फ्रेम है। टोटली इसकी बस कॉस्मेटिकली चेंज किया है, जैसे कि टैंक और फ्रंट स्क्रीन की और साइड कवर्स की। बाकी ये वही 125cc OHV इंजन है। और प्राइस की बात करें तो इतनी ज़्यादा प्राइस होगी, अब इसकी जो रिसेंटली प्राइस है वो 1,75,500 CB125F सिंपल की और स्पेशल एडिशन की 1,78,000। तो प्राइस ज़्यादा होने की वजह से और इंजन की बात करें तो OHV वाइब्रेशन भी इसमें आपको मिलती है। और इसके शॉक्स की बात करें तो शॉक्स भी इतने सॉफ्ट नहीं हैं। तो इसके मुकाबले में अगर YBR125G को देखें तो इसकी प्राइस 1,72,000 है। इसमें आपको SOHC इंजन मिलते हैं, बैलेंसर शॉप में मिलते हैं, उसकी वजह से बाइक में वाइब्रेशन भी नहीं है। और बाइक की लुक की बात करें तो बाइक की लुक बहुत ही खूबसूरत है और टूरिंग के लिए ये बहुत ही बेस्ट बाइक है। तो फ्रेंड्स, इसकी रिसेल वैल्यू की बात करें तो रिसेल वैल्यू भी YBR125G की CB125F की बनिस्बत बहुत ही ज़्यादा है। ये एक हॉट केक की तरह सेल होता है। तो इसको देखते हुए होंडा ने भी CB125F को लॉन्च किया था, लेकिन इंजन OHV रख के और इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा और कंफर्टेबल भी इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इसकी रिसेल ना होने की वजह से कंपनी ने इसकी प्रोडक्शन ऑफ करने का सोच लिया है। तो कंपनी ने अब ये फैसला कर लिया है कि CB125F की प्रोडक्शन अब ऑफ कर देंगे और इसकी जगह CB150F की सेल को बढ़ाएंगे। लेकिन CB150F की बात करें तो CB150F की प्राइस भी 2,19,500 हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरी ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है। बाइक ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके शॉक्स भी कुछ हार्ड हैं YBR-G की बनिस्बत। OHV इंजन, फ्रेंड्स, इस बाइक में इतनी ज़्यादा प्राइस होने के बावजूद आपको वाइब्रेशन मिले तो बाइक में चलाने का मज़ा नहीं आता। और दूसरी बात, इसकी रिसेल वैल्यू बिल्कुल नहीं है। तो कंपनी ने इसकी सेल ना होने की वजह से ये फैसला किया कि वो CB125F की प्रोडक्शन ऑफ कर रहे हैं। तो इसकी प्रोडक्शन जल्दी ऑफ होगी और इसकी जगह बाद में सोचा जाएगा कि एटलस होंडा इसकी जगह कोई और बाइक देती है या नहीं देती। फ़िलहाल इस बाइक की प्रोडक्शन कंपनी ऑफ करने जा रही है। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि जो लोग CB125F लेने का सोच रहे हैं तो अगर वो लेना चाहते हैं तो ले लें, इसकी प्रोडक्शन अब ऑफ हो रही है। अगर वो इसकी जगह, मैं ये कहूँगा कि मुझसे अगर मशवरा लें तो इसकी जगह YBR125G ले लें। एक तो वो इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, इंजन भी उसमें OHC दिया गया है, जिसकी वजह से बाइक में वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। आप जितनी ट्रेवलिंग करें उसमें थकावट महसूस आपको नहीं होगी। तो इसके साथ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि होंडा कंपनी ने CB125F की प्रोडक्शन ऑफ करके सही किया है या गलत किया है। तो इसके साथ ज़ुल्करनैन व्लॉग्स को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।